विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर का प्राचीन एवं ऐतिहासिक पीपल के वृक्ष का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने की कगार पर है। श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा का केंद्र ये पीपल का वृक्ष कई महीनों से अंदर से खोखला होता जा रहा है। जब से इस पीपल के वृक्ष के आसपास संगमरमर लगाया गया है तब से यह समस्या आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी समस्या का निदान नहीं किया गया है। हालांकि ये प्राचीन भव्य पीपल का वृक्ष मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर है और जिन्हें बचाना मंदिर न्यास इसका परम कर्तव्य बनता है, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि अभी तक इस वृक्ष को बचाने के लिए कोई भी व्यापक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। हालांकि समय समय पर अधिकारियों के इसके बारे में अवगत भी करवाया गया। पिछले श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान मेला अधिकारी के रूप में तैनात एडीएम बिलासपुर विनय कुमार को भी इस बारे में अवगत करवाया गया था। उन्होंने आदेश भी दिए थे कि तुरंत कार्यवाही करते हुए इस वृक्ष को बचाने के लिए अतिशीघ्र उपाय किए जाएं, लेकिन लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसे बचाने के लिए अभी तक कोई भी व्यापक कार्यवाही नहीं की गई है। मंदिर में लगा ये वृक्ष काफी प्राचीन वृक्ष है और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, उनकी आस्था के केंद्र है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु इस पीपल के वृक्ष के ऊपर लाल रंग का धागा बांधता है और मनोकामना मानता है तो उसकी मन्नत माता रानी की कृपा से जल्दी पूरी हो जाती है और मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु फिर से यहाँ आकर इस वृक्ष के ऊपर बांधा हुआ धागा खोल देते हैं। इसीलिए पीपल का वृक्ष श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। पूर्व वीडीसी सदस्य जोगिंदर सिंह का कहना है कि इस पवित्र वृक्ष के पत्तों पर उन्होंने कई बार मां की ज्योतियों के दर्शन किए हैं और जिस तरह से वह यह वृक्ष अंदर से खोखला हो रहा है इसका अस्तित्व खतरे में है और इस वृक्ष को बचाने के लिए मंदिर न्यास को जल्द से जल्द व्यापक कार्यवाही अमल में लानी चाहिए ताकि मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके। ये माता से बहुत सदियों पुराना जुड़ा हुआ है और मैंने अपनी आंखों से इसके पर पत्ते पत्ते पर जोत आई हुई देखी है। तो इसको जो ये खार लगी हुई है इस तरफ, ये अगर मार्बल लगाने से है तो इसको बीपोल डालना चाहिए थे बीच में, या किसी विभाग के कर्मचारियों को जिनको पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी है उनको बुला के इसको देखना चाहिए कि क्यों ऐसे लग रहा है, क्योंकि प्राचीन नैना देवी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बोलते हैं माता तेरे दर ते पीपल दे पत्ते पत्ते ते जोत जगती है, ऐसे इसमें पत्ते पत्ते पर जोत जगती हुई मैंने देखी हुई है। और इसकी मंदिर अधिकारियों को जो भी है और या इसका चेयरमैन है उनको तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। यहाँ आकर चले जाते हैं बड़ी हैरान की, काफी दिन से देख रहे हैं और काफी खोखला पड़ गया, तो इसका कोई टीम बुला के विभाग की जो पेड़ों के बारे में पूरा ज्ञान रखती है वो सर्च करा के इसकी रिपेयर की जाए। जबकि मंदिर न्यासी नीलम शर्मा का कहना है कि जो इस पीपल के वृक्ष के आसपास संगमरमर लगाया गया है शायद उसी के कारण ये खोखला होता जा रहा है, और अगर इसके आसपास पत्थरों का डंगा लगाया जाए और बीच में स्पेस छोड़ा जाए, इसके अलावा सर्वप्रथम वृक्षों के वैज्ञानिकों की राय भी लेनी चाहिए ताकि हमारे मंदिर की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर बच सके। जबकि मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम अनिल चौहान ने बताया कि इस संदर्भ में नौणी विश्वविद्यालय को पत्र लिख दिया गया है और जल्द वहां से प्रोफेसर बुलाए जाएंगे ताकि पता चल सके कि इस वृक्ष के सूखने का कारण क्या है। मंदिर के प्रांगण में पीपल का पेड़ बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से उसकी जड़ें खोखली हो गई हैं। तो उसका मैं तो ये समझता हूँ कि जो मार्बल लगा है उस मार्बल की वजह से वो खोखला हो रहा है, तो उसको रख रखाव के लिए किसी विशेषज्ञ को, जो पौधों का विशेषज्ञ हो, उसको बुलवा करके इसमें सलाह मशवरा करके इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। और जो वहाँ पे मार्बल लगा है उसको हटा करके जो यहाँ का स्थानीय पत्थर है उसी से इस थड़े का निर्माण होना चाहिए। जय माता दी।